नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने फिर से उपस्थित हैं एक नए विषय को लेकर। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति की नींद 3 से 5 बजे के बीच खुलती है तो इसका क्या कारण है? दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति की नींद 3 से 5 बजे खुलती है तो यह बहुत ही शुभ माना गया है। शास्त्रों में भी इसे बहुत ही शुभ माना गया है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त भगवान का समय होता है और इस मुहूर्त में जागने वाला व्यक्ति बहुत ही सकारात्मक तन मन बुद्धि से बहुत ही उन्नति करता है। वह अपने जीवन को एक सकारात्मक दिशा में ले जाता है। दोस्तों, शास्त्रों में भी कहा गया है कि इस समय अगर भगवान का भजन पूजा या जप आदि करते हैं तो यह सीधे भगवान से कनेक्ट करता है और व्यक्ति को बहुत ही मानसिक शांति मिलती है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि भगवान श्री कृष्ण के अनुसार अगर कोई व्यक्ति 3 से 5 बजे के बीच जागता है तो उस व्यक्ति पर भगवान अपनी कृपा सदैव बनाए रखते हैं। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति के साथ अच्छा या बुरा होता है तो वह केवल भगवान की मर्जी से होता है। वो कहते हैं ना कि उनकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। इस विश्व में जो कुछ भी घटित हो रहा है वो केवल सिर्फ भगवान की मर्जी चल रही है, क्योंकि उनकी मर्जी के बिना कोई एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। दोस्तों, नींद का खुलना तो कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु 3 से 5 बजे की खुलना के बीच खुलना यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आखिर क्या खास बात है इस समय में, इस समय अवधि के बीच में क्यों इसे बहुत ही खास माना जाता है? भगवान श्री कृष्ण ने अपने उपदेश में यह कहा है कि जो भी व्यक्ति इस समय में उठ जाता है वो अपने जीवन में सबसे ज़्यादा तरक्की करता है। नकारात्मक विचार उसके मन से कोसों दूर रहते हैं और सकारात्मक विचार उसके मन में रहते हैं और वह बहुत ही प्रगति करता है। दोस्तों, हम सब तो जानते हैं कि सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने की है और ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना इसी समय अवधि में की है, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में। इसलिए इस मुहूर्त को बहुत ही खास मुहूर्त बोला जाता है। दोस्तों, इस मुहूर्त में आपके मन में अच्छे और सकारात्मक विचारों का निर्माण होता है और व्यक्ति नकारात्मक विचारों से कोसों दूर रहता है। दोस्तों, इस समय मन आपका शांत रहता है और आप अपने अंदर ईश्वर के आशीर्वाद को महसूस करेंगे कि ईश्वर आप पर अपनी कृपा बनाए हुए है। और आज के समय से अगर यदि हम तुलना करें तो आज का समय तो बहुत ही बिजी लाइफ हो गई है। सबके जो रूटीन है वो सुबह आराम से 9 बजे सब 10 बजे सो के उठ रहे हैं, रात में भी काफ़ी लेट तक सब जागते हैं। परंतु शास्त्रों में, दोस्तों, ऐसे में अगर आपकी नींद इस समय खुल जाती है तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं कि आप पर भगवान की कृपा बनी रहे और उनका आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इस समय में संपूर्ण वातावरण में ऐसी दैवीय शक्ति उपस्थित होती है जहाँ आपका संपूर्ण जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। आयुर्वेद में भी इस समय को बहुत ही शुभ बताया गया है, क्योंकि सुबह उठना कई तरह की बीमारियों से हमें छुटकारा दिलाता है। हमारे शास्त्रों में भी यह वर्णित है कि इस समय अवधि में उठने वाला व्यक्ति बल बुद्धि और विद्या और आरोग्य को प्राप्त करता है, यानी उसे बीमारियाँ नहीं होती हैं। अंग्रेजी में भी एक कहावत है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। जी हाँ दोस्तों, जल्दी उठना और जल्दी सोना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा, इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी रचनात्मक वीडियो बनाते रहें। और धन्यवाद।